अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज आप लोगों के लिए जो प्रोग्राम लाया हूँ, मैं लेके आया हूँ ऐसी शीट पे जो कि आपको हीट रेजिस्टेंस दे, यूवी ब्लॉक करे और लाइट वेट हो। हमारे पास नॉर्मली हम जो कैटल शेड के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डेडेक्स, और डेडेक्स को आप जब भी इंस्टॉल करें तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर को बड़ा सॉलिड रखना पड़ता है। तो अक्सर जगहों पे ये कंप्लेन आती है कि हमारा जो है ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर सिरकी वगैरह हमने डाली हुई है, तो क्या हम इस पर डेडेक्स डाल सकते हैं? तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो डेडेक्स के लिए नहीं है, ठीक है? तो डेडेक्स एक वेट लेती है। हमें इस तरह के स्ट्रक्चर जहाँ पे सिरकी डाली गई है वहाँ पे अगर कोई शीट लगाना चाहे तो वो लाइट वेट शीट लगाए। इसे कहते हैं टर्किश फाइबर, टर्किश फाइबर या बेटोमेन शीट, ठीक है? बेटोमेन फाइबर शीट है ये। तो इस की क्वालिटी ये है कि ये गर्मियों में थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और सर्दियों में हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये हीट को ट्रांसमिट नहीं करती, एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। ये एडवांटेज है। वाटरप्रूफ लाइफ इसकी 10-15 साल के करीब है, लॉन्ग लाइफ है। इंपोर्ट होती है ये तुर्की से, और दो कलर में होती है, ग्रीन कलर और रेड कलर। हमने इसे पंजाब में जड़ांवाला के इलाके में, रायविंड के इलाके में हमने कैटल शेड्स बनाए हैं, और इसके अलावा ये कराची, हैदराबाद, सिंध के एरिया में एक बड़ी कामयाब है ये शीट, और वहाँ पे जो है ये मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में, इवन घरों पे फाइबर की जगह इस्तेमाल हो रही है। फाइबर ग्लास के अल्टरनेट ये बहुत अच्छी शीट है, क्योंकि फाइबर ग्लास जो है वो यूवी प्रोटेक्टेड नहीं है। आप अगर गर्मियों में फाइबर ग्लास के बने हुए किसी भी कार पोर्च या शेड के नीचे खड़े हों तो आपको वो हीट महसूस होगी, जो कि इस शीट के साथ बने हुए शेड में नहीं होती। तो ये एक एडवांटेज है, इस एडवांटेज को अवेल करें। और इससे रेलिवेंट कोई क्वेरी हो तो ये आपके सामने नंबर लिखा हुआ है shedmakers.com, इसे देख रहे हैं आप। जो है इस शीट की कोई भी डिमांड हो तो आप बता सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अवेलेबिलिटी इसकी जो है वो करने में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, कि हमारे गोडाउन कराची से इसको हमने ट्रांसफ़र करना होता है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी। तो ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, और ख़ासतौर पे अपने उन दोस्तों के साथ करें जिन कोई इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम है और इस तरह का इशू है, उनका ये इशू इस शीट के साथ सॉल्व हो सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।